जेडीयू में टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की होगी मीटिंग। बैठक में नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, लिखा प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। पोस्टर में कहीं भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं। केसी त्यागी ने कहा ललन सिंह अध्यक्ष हैं। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा आने वाला राजनीतिक प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव का हमारा एजेंडा नजर आए। ललन सिंह के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार, आज हो सकता है फैसला। ललन सिंह ने नीतीश को बताया जेडीयू का सुप्रीम लीडर, कहा पार्टी एक है, एक ही रहेगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश के एनडीए में जाने की खबरों को खारिज किया, कहा कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहती है बीजेपी। नीतीश की एनडीए में वापसी की 200% संभावना नहीं। गिरिराज सिंह बोले नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद। जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश से मिले ललन सिंह, घर जाकर की मुलाकात। दिल्ली में इंडी अलायंस के साथ सीटों के बंटवारे पर आज कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी की बैठक। मुकुल वासनिक के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन समिति करेगी आंतरिक चर्चा। मुकुल वासनिक बोले बैठक में सभी नेताओं की ली जाएगी राय। तारिक अनवर ने कहा हर पार्टी चाहती है उसका विस्तार हो, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बोले बैठक में बातचीत करेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में गठबंधन में सीट बंटवारे में नहीं होगी कोई दिक्कत। ममता बनर्जी की दो टूक, बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज, पीएम के दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन आज, बैठक में तय हो सकता है रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। ससुराल के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक, आज अयोध्या पहुंचेगा नेपाल का रथ, कई नदियों का जल किया गया है जमा। आज मुंबई के घाटकोपर और चेंबूर में निकाली जाएगी अक्षत कलश यात्रा, महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग मौजूद रहेंगे, गर्भगृह में पीएम मोदी, सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख और मुख्य आचार्य रह सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त बंद रहेगा पर्दा, सबसे पहले रामलला अपना चेहरा देखेंगे। दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीमें बनी। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम से जाना जाएगा। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने की बैठक, अयोध्या प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। अयोध्या में 84 कोसीय परिक्रमा इलाके में शराब बैन, दुकानें हटेंगी, यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताई इच्छा, कहा निमंत्रण मिला तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लूंगा। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, दिन में 3 बार होगी आरती। प्रभु राम के अपमान पर घिरी ठाकरे सेना, बीजेपी की मांग माफी मांगे ठाकरे सेना। संजय राउत के भगवान राम को किडनैप करने वाले विवादित बयान पर विवाद बढ़ा। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर जयराम रमेश का बयान, 4 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग होगी। कांग्रेस की बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मीटिंग में भारत न्याय यात्रा की रूट को लेकर अंतिम रूप लिया जाएगा। फरवरी में अबूधाबी जाएंगे पीएम मोदी, 14 फरवरी को बाप्स हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। कतर में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड अफसरों को मौत की सजा उम्र कैद में कोर्ट ने तब्दील की। असम में पूर्वोत्तर संत मणिकचंद सम्मेलन में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कहा दुनिया को शांति और सह अस्तित्व का संदेश देने के लिए देश को मजबूती से खड़ा होना होगा। सम्मेलन में संघ प्रमुख ने कहा हम सभी के पूर्वज एक हैं, हमें अपनी विविधता का पालन करते हुए अपनी एकता को आगे बढ़ाना होगा। संघ के गढ़ से कांग्रेस ने फूंका 2024 का बिगुल, नागपुर में की महारैली। राहुल बोले देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा देश को गुलामी की ओर ले जा रही बीजेपी, डर डर कर मिलने आते हैं बीजेपी नेता। पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती कर सकती है सरकार, जनता को 10 रुपए तक दे सकती है राहत। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर पीएमओ, वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय में हुई चर्चा। सरकार और तेल कंपनियां मिलकर खर्च करेंगे वाहन। पाकिस्तान को भारत की दो टूक, मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद को सौंपने को कहा। रजा अकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी की 2 टूक, मदरसे वाले सरकार से 1 रुपया भी ना लें, पैसा देकर सरकारी नौकर बना देगी। सईद नूरी के बयान पर महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा किसी भी मौलाना को सरकारी काम पर नहीं लगाया जाएगा। शरद गुट के एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर अलग अलग बात ना हो, सब मिलकर करें चर्चा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया, हथियार और उसके पास से गाड़ी बरामद। जम्मू में बीएसएफ को मिली एंटी ड्रोन स्पेशल गन, सर्दियों में बॉर्डर की चौकसी में मदद मिलेगी। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 50,000 का इनामी गिरफ्तार। मेरठ में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने पति को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। यूपी के अमरोहा में मेडिकल शॉप में छापा, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद। नवी मुंबई के तलोजा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को पारी और 32 रनों से हराया, 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।